हेलो दोस्तों, वेलकम टू गूगल सैमसंग चैनल में आपको स्वागत है। सो आइए आपको वेजिटेबल के पिज़्ज़ा बनाने का सिखाते हैं। सो पिज़्ज़ा बनाने के लिए, वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाने के लिए क्या 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 सामग्री जरूरत है, सो आइए आपको बताते हैं। सो पहले आपको थोड़ा मैदा, ईस्ट, शुगर एंड लूकवार्म वाटर चाहिए। सो लाइए उसका डो बनाने बताते हैं। उससे पहले बनाने से पहले हमको उसका बेस बनाना चाहिए। बेस मीन्स द इटालियन बेस, जो ब्रेड बोलते हैं। सो आइए हमको चलाइए हम बताते हैं डो बनाने के लिए आप क्या क्या सामग्री। पहले एक बड़ा सा बोल ले लीजिए जो ताकि वो बराबर मिक्स है। पहले आप लोग एक लूकवार्म वाटर ले लिए। ऑलरेडी मैं लूकवार्म वाटर करके बना के रखा चुका हूँ। सो आप उसमें हम डाल रहे हैं, हमें वाटर डाल चुके हैं। सो अभी 1/2 स्पून ऑफ सॉल्ट, शुगर, बेकिंग पाउडर। आपके पास ईस्ट है तो आप ईस्ट डाल सकते हैं, आसानी से मार्केट में मिलता है। आप चाहिए तो, अगर ईस्ट नहीं मिले आप, देन आप मैदा डालिए। सो हम मैदा डालें। अभी मैंने डो बना लिया। अब देखिए डो बहुत स्ट्रेच है, जितना स्ट्रेच होगा पिज़्ज़ा का अच्छा टेस्ट ही आता है, खाने में मज़ा आता है। सो आप चाहिए जितना उसको गूंदे, और अभी मैं डो बना चुका है। चलिए हम रोलिंग करके बताते हैं। सो हम थोड़ा सा उसमें डस्ट करते हैं मैदा, सो ताकि नीचे ना चिपके। थोड़ा आपका हाथ में ऐसा ऐसा कर दीजिए, अगर आपका पास रोलिंग पैन नहीं है तो। सो आप ट्राई करिए रोलिंग पैन में रोलिंग करिए। सो हम अभी मैं रोलिंग कर रहा हूँ। अरे दोस्तों, हमें पिज़्ज़ा बेस ऑलरेडी मैं बेक कर चुका हूँ, अभी ओवन से मैं निकाल रहा हूँ। अभी मेरा देखिए, मेरा ब्रेड कितना अच्छा से ब्रेड तैयार हो चुका है। अब दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ अच्छा से तैयार हुआ। अब ये दोस्तों ये चाहिए, आप कभी भी कांटा चम्मच मारना चाहिए, क्योंकि कांटा चम्मच मारने से पिज़्ज़ा का बेस फूलता नहीं है, बराबर साइज में आता है। सो पिज़्ज़ा बेस की देखिए, कांटा चम्मच मारने की वजह से पिज़्ज़ा का कोई तरीके से फूला नहीं है, सारे इक्वल साइज है। हेलो दोस्तों, अब देखिए ये मैं टमाटो लिया है पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए जरूर टमाटो जरूरत है। आपके पास देसी और लोकल टमाटो हुए तो आप ले सकते हैं। उसका टमाटो का आँख निकाल दीजिए, उसके बाद उसमें गार्लिक, ऑनियन, सेलरी, जो आपका पास सामग्री जरूर है आप डाल के उसका एक पेस्ट बना के। पिज़्ज़ा सॉस अभी मैं बना दिया है। सो आप देखिए पिज़्ज़ा सॉस का सब रेडी है। अभी मैं ऑलरेडी पेस्ट बना के इसमें सब हर्ब्स डाल चुका है। हर्ब्स लाइक ऑरेगानो, जो हम उसको अजवाइनिका लिप्स बोलते हैं, उसका हम बना चुके हैं। पिज़्ज़ा सॉस उसका ऊपर अप्लाई करके हम बताते हैं। आइए, तकरीबन आप 3 से 4 टेबल स्पून का सॉस लेना चाहिए। सो बराबर साइड में आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, मैं चारों तरफ बराबर हमें अप्लाई कर चुका हूँ। सो उसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। सो चीज़ मतलब आप मोजरेला चीज़ लेना है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है आपको। सो देखिए, मैं ऑलरेडी मैं एक बोल में मोजरेला चीज़ ले चुका हूँ। सो मैं उसके ऊपर में डाल रहा हूँ। अभी चीज़ डाल रहा हूँ। सो आप चाहिए तो जो चीज़ डालने का तरीका होता, थोड़ा बॉर्डर से साइड में थोड़ा सा छोड़ के आप डाल सकते हैं, क्योंकि ना साइड में थोड़ा क्रिस्पीनेस क्रंची आता है, जो एंड बाइट में आपको क्रंचीनेस आता और टेस्ट में आता। सो अगर आपको स्पाइसी की ज़रूरत है आप इसमें से चिली फ्लेक्स को डाल सकते हैं। सो दोस्तों, मैं वेजिटेबल पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, इसके लिए मैं वेजिटेबल रखा है। सो ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, कोई आपको दिक्कत नहीं हो के लिए हम उस हिसाब से हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। सो आप अगर नॉन वेज बनाना चाहते हैं उसमें चिकन और फिश और प्रॉन का भी बना सकते हैं। चलो आइए, मैं वेज पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, आपको बारे में बताता हूँ। चलो आइए हमको बताता हूँ। ये कैप्सिकम है, जो हिंदी में बोलते हैं शिमला मिर्ची है। हम 3 कलर का तरीका का लिया हुआ है। सो लाल, पीला और ग्रीन का लिया हुआ है, और थोड़ा ऑलिव, जो ब्लैक ऑलिव बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में जैतून बोलते हैं। सो जुगनी, जो हम पम्पकिन बोलते हैं, हम लोग दोनों कलर का लिया है, ग्रीन और येलो का। एंड जलापिनो, जो मेक्सिकन चिली बोलते हैं, जो सालन चिली हम यूज करते हैं, वो चिली विनेगर में बॉयल कर सकते हैं। मकाई का थोड़ा क्वांटिटी है। ब्रोकली है, जो ग्रीन गोभी बोलते हैं। चेरी टमाटो है, जो छोटा छोटा टमाटो है, इसको हम टॉस करके लाइट मार के गैस जला रहे हैं। अब देखिए, तो उसके बाद आपके पास एक नॉनस्टिक पैन हो आप नॉनस्टिक पैन ले सकते हैं। सो नॉनस्टिक पैन की गर्म होने के बाद आप थोड़ा ऑयल डालिए, जो हम ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, क्योंकि ऑलिव ऑयल के जो हम जैतून को ऑयल बोले थे, वो जैतून का ऑयल हम डाल रहे हैं। तो हम जैतून का ऑयल डाल चुके हैं 1 टेबल स्पून। स्वाद से तरीके चारों तरफ मिलाइए।
तो अभी हमारा पैन गर्म हो चुका है, हम ऑल वेजिटेबल मिक्स करके डाल दिया है। तो हम उसको अच्छा से टॉस करते हैं। टॉस के दौरान आप सॉल्ट और ऑरेगन को डाल सकते हैं। सॉल्ट डाल रहे हैं हम, ऑरेगनो आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स करिए। इसको ज़्यादा कुक ना करिए, क्योंकि ना ओवन में और नहीं तो पैन में भी बन चाहिए तो बना सकते हो पैन में। तो ये टॉस हो चुका है, आप देखिए वेजिटेबल का क्या रंग बेरंग हो रहा। अभी हो गया तैयार, अभी उसको लेके पिज्जा का टॉपिंग बनाएंगे। वेजिटेबल रेडी हो चुका है, सो अभी उसका पिज्जा के ऊपर हम डाल रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। सो आइए हम उसको ऊपर डाल के देखते हैं। वाओ क्या खुशबू आ रहा है इसमें। हम वेजिटेबल डाल चुके हैं, सो आइए उसके ऊपर जैतून डालते हैं, जो ब्लैक ऑलिव है। चिली टमाटो, ये चिली टमाटो डाल दिए जो छोटा छोटा टमाटो से। सो मुझे स्पाइसी पसंद है, चटपटा पसंद है, सो इसके बीच में हम लोग बोले थे चिल्ली का बॉईल करा, जो चिल्ली है वो जैलापिनो बोलते हैं। सो अभी जैलापिनो डाल रहे हैं उसके ऊपर। थोड़ा चिली फ्लेक्स, अगर एक्स्ट्रा स्पाइसी ज़रूरत है आप उसके ऊपर और भी थोड़ा चिली डाल सकते हैं। हम छोड़ते हैं, आप सोचिए दोस्तों ये क्या डाल सकता हूँ। यस आप सही गेस क्या है, हम ऑरेगनो डाल रहे हैं। सो अभी वेजिटेबल डाल चुका है, सो वेजिटेबल को अच्छे से बाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा चीज़ ऊपर डालेंगे। दोस्तों गेस करिए कौन सा चीज़ हम डाल रहे हैं। यस आप सही गेस किया है, हम मोज़रेला चीज़ डाल रहे हैं, जो फ्रेश मोज़रेला है। आप पिज्ज़ा को आप ओवन में और पैन में भी पका सकते हैं। अगर पैन के पकाने का तरीका है मेरी स्लो फ्लेम में पकाना, फायर बहुत कम होना चाहिए और ऊपर से ढक्कन डालना चाहिए। अभी मेरे पास ओवन है इसके लिए मैं ओवन में पका रहा हूँ। आइए हम दिखाते हैं ओवन में डाल के। आइए हम पिज़्ज़ा को पका के बताते हैं। 180 डिग्री में आप लगभग 8 से 10 मिनट पिज़्ज़ा डाल के पकाएंगे। बाद में अभी कवर करते हैं। अभी जो बिस्कुट रेडी हो चुका है, हम उसके स्लाइसर से हम ओवन से निकाल रहे हैं। चुका है, वाओ क्या खुशबू आ रहा है, वाओ पिज्जा। अभी हम पिज्जा करने के शॉप का टाइम हो गया। अभी देखिए पिज्जा का कलर बहुत अच्छा आया है। सो आप देखिए जलेपिनो, ऑलिव्स, वेजिटेबल सब कुछ अच्छा तरीके से आया हुआ है। सो मैं आशा करता हूँ आपको पिज्जा पसंद आया होगा। सो ज़रूर उसको लाइक और कमेंट शेयर करिए।